ऑन वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऑनर रिव्यू लेने वाले हैं होंडा एसपी 125 का। हाल फिलहाल में इसको परचेज किया गया है, ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर चला चुके बाइक है। ये हमारे एक राइडर भाई का है जो कि ओला उबर की राइडे एंड बाइक टैक्सी और डिलीवरी का काम भी करते हैं इससे, और 2000 चला चुके हैं। तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा इस गाड़ी से अब तक ये 12000 रुपये कमा चुके होंगे अगर 2000 किलोमीटर चलाएं। तो सर भाई स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इतने दूर खड़े हैं, लोकेश भाई की गाड़ी है ये। तो लोकेश भाई स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इन्होंने ये गाड़ी ली हुई है। तो सबसे पहले लोकेश भाई, आपने होंडा एसपी 125 ही चूज़ क्यों की, और भी इस कैटेगरी में बाइकें हैं? नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि लुक वाइज आप देखोगे ना, SP125 की जितनी भी कंपनियां जो निकाल रही हैं, लुक वाइज देखोगे ना तो इसकी लुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, और होंडा पर मेरा शिफ्ट करने का, स्विच करने का मन था। पहले ये आप हीरो चला पहले हीरो चला रहा था, उससे पहले TVS चला रहा था, तो मैंने कहा इस बार अच्छा आपने हीरो भी चला लिया, TVS भी चला लिया, बजाज का वैसे कभी कभी मेरी गाड़ी चला लिया है, तो सोचा कि होंडा ले लो। पहला रीज़न ये अलग हो जाएगा। तो एक आपको ऑन रोड कितने का पड़ा? ये ऑन रोड मेरे को ये पड़ा है 1,06,000 रुपये कैश दिए हैं, और आप भी मैं भी पड़ जाएंगे 1,06,000 रुपये कैश का पड़ा है दिल्ली में, है ना, नोएडा और बाकी स्टेट में अलग हो सकता है। कैश ही लिया है इसको, बिल्कुल कैश गिन के इन्होंने इस गाड़ी को लिया है। तो इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? एक तो जब पीछे लेके रोड पे निकलते हैं ना, एक अंदर से लगता है कि हम कुछ चला रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने नोट किया है, स्प्लेंडर भी मैंने यूज़ किया है। मान लो कोई थोड़ी हैवी दिखने वाली बाइक होती है ना, आपकी जो सोचने की और जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट लगती है। अच्छा, मतलब बॉडी वाइज थोड़ी बल्की है वगैरह, थोड़ी आप देखोगे ना इस रेट में आपको ये टंकी ऐसी मिलेगी नहीं किसी बाइक में, आप कंपेयर कर लेना। तो अभी तक आपने इसको कितना चला दिया? 2000 किलोमीटर चला चुका हूं। 1944 चला चुके हैं इससे। आप बाइक टैक्सी चलाते हो तो कितना अब तक मतलब कमा चुके होंगे? मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया तो 5 का भी मानेंगे तो 10,000 रुपये होता है, तो इतना तो आ गया होगा। हाँ, लगभग लगभग, है ना। क्योंकि देखिए हमारा काम ही इससे, क्योंकि हमारे रोजी रोटी चल रही है, तो हम लोग इससे इतना तो कमा ली होंगे ऑन एन एवरेज 5 रुपये पर किलोमीटर भी मानेंगे तो। हाँ, तो अच्छा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आपने अभी तक सर्विस अभी करा तक दिया? तो एक ही सर्विस हुई है, सर्विस इसकी फ्री मिली हुई है, 3 या 4 सर्विस मिलती है। तो अभी फर्स्ट सर्विस का क्या कॉस्ट आया था? कॉस्ट उसका मेरे को एक तो सिर्फ इंजन ऑयल लगा था और एक उन्होंने फिल्टर डाला था, तो मेरे से लगभग 550 रुपये लिए थे। 550 रुपये फर्स्ट सर्विस का। ये नॉन पेड है, फ्री वाला है। जब आप इसको पेड में जाओगे तो ये जाता है करीब 1200 से 1500 तक के बीच में जाएगा। लोकेश भाई, अब आप अपने तरीके से मतलब आप अपने रिव्यू बताओ इसमें, कि आपको इसके कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही अच्छा लगा और कुछ पॉइंट्स ऐसे जो बहुत ही बेकार लगा कि भाई आप ये गाड़ी इस वजह से नहीं लेना, वो मुझे आप बताओ। देखो, लेने की वजह तो मैंने आपको बताई है कि इसकी लुक मेरे को बहुत ही प्यारी लगी है। वैसे आप देखोगे ना, इसमें जो मोस्टली पार्ट्स है ना, वो फाइबर में है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मान लो, भगवान ना करे, अगर एक बाइक गिर गई ना, तो एक आम बाइक के से कंपेयर करोगे तो इसका नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सारा का सारा फाइबर आइटम है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप इसके इंडिकेटर पर ध्यान दोगे ना, तो इसके अंदर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। आप कोई भी इंडिकेटर देख लो, इसके बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर किसी ने हल्का सा इस पर टच कर दिया ना, तो ये नीचे गिर जाएंगे। और आप कभी भी देखना रोड पे, अगर आपको SP 125 नज़र आएगी ना, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको लगभग 70% जो बाइक्स होगी ना, उसके इंडिकेटर लटके हुए मिलेंगे। मतलब आप कह रहे हो कि बिल्कुल ये बिल्कुल इसके अंदर, हाँ, लचीलापन जरा भी नहीं है इसमें। कठोर तो आदमी भी होगा तो मरेगा, है ना, ये कठोर है। दूसरी चीज़ ये, इसका आप लेग गार्ड देखोगे ना, लेग गार्ड की जो क्वालिटी है ना, बिल्कुल लो क्वालिटी है। मतलब ये अभी आपको 1.5 महीना नहीं हुआ है, ये थोड़ा जंग दिखने लगा है, जंग दिखने लगा है। ये इतनी बेकार क्वालिटी है, मैं आपको ये, मैंने जब इसको देखा ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे दिमाग में ये लगा, मैंने कहा यार इसकी क्वालिटी तो बिल्कुल ही लो है। ये अब कुछ समय में क्या ये भी रश लगने लगा? बिल्कुल, ये देखिए ना आप, अभी से देख लो इसमें, ये साफ नजर आ रहा है। तो इसमें ये चीज है, बाकी देखो पंचर हुआ था तो, हाँ, कुछ बता रहे थे। देखो इसमें इन्होंने कंपनी ने, देखो कंपनी, मैं यूँ नहीं कहता कि सारे पार्ट तो कंपनी खुद बनाती नहीं है, है ना, किसी डीलर के थ्रू या किसी को कोई ना कोई सौंपती है। अब आप देखिए इसमें जो टायर है, इसमें ये किस कंपनी का लगाया हुआ है, मैं किसी कंपनी का यहाँ पर वो नहीं कहूँगा, पर कंपनी अगर चाहती तो इसमें MRF C8 जैसी बढ़िया कंपनी के टायर लगा सकती थी। कंपनी ने इसमें टायर में थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइज किया है इसके। टायर तो मैक्सिस का अच्छी कंपनी है पता नहीं, पर वो कील में बिल्कुल भी नोक नहीं थी। अच्छा। मैं उसको रख नहीं पाया, इतनी मोटी कील थी जो दो जगह घुस के निकली है, ऐसे घुसी और ऐसे निकली, यहाँ से घुस के और वहाँ से निकल गई कील। आप सोच के देखो, उसमें धार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया हुआ। टायर की क्वालिटी भी सही नहीं लगी मेरे को, इसकी क्वालिटी टायर की बढ़िया नहीं लगी मेरे को। उस दिन से ना मेरे मन में एक अजीब सा डर बना हुआ है पंचर को लेकर। अच्छा। एक तो फोबिया टाइप का नहीं हो जाता, वो हो रखा है। हम लोग रात को निकलते हैं, हाँ रात को निकलते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे को एक ये है कि चलो ठीक है, हमारा ये कम से कम ट्यूबलेस है तो मैं रोड पर कहीं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं इसको लेके जा सकता हूँ, ये इतना मैं कह सकता हूँ। मतलब कि देखो, अब जैसे इसका स्टैंड है, स्टैंड में इन्होंने सेंसर दिया हुआ है, अगर ये स्टैंड अगर लगा हुआ है ना तो फिर ये बाइक जो है स्टार्ट या तो होगी नहीं, और हो जाएगी तो बंद हो जाएगी, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। बाकी इसमें देखो, मेरे को एक चीज़ और अच्छी लगी है, जैसे ये ट्रिप ए है, इसको मैं जीरो कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ से कहीं के लिए जा रहा हूँ तो ट्रिप ए में मैं इसको जीरो करके जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाकर देख सकता हूँ। उसके बाद ट्रिप बी में मैं इसको जीरो कर सकता हूँ, तो जैसे मैंने ट्रिप बी पे लगाया हुआ है, यहाँ पर जो टाइम दिखाता है, टाइम भी है, ये 3:01 है, न्यूट्रल है, गियर वगैरह सारे इसमें, पेट्रोल वगैरह सारा है, न्यूट्रल, ये लाइट है, इसमें एक की आती है, अगर मान लो सर्विस पे आ जाएगी तो एक की वहाँ पर आपको शो करने लग जाएगी। तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी है इसमें, जो इंडिकेट कर देती है काफ़ी चीज़ों को, ये चीज अच्छी है। स्विच के क्वालिटी अगर देखे जाए तो काफी अच्छी है, जो यामाहा क्वालिटी है ना, केबल्स वगैरह इनबिल्ड मुट्ठे के में वही केबल ये दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। बस मेरे को लोकेश भाई ये ऐसा मैं होंडा को बोलूंगा कि ये जो अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट दे रहे हैं ना, इसके जगह ये कलर दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, बट शायद हो सकता है इनको कटौती करनी हो, क्योंकि भाई 1,06,000 रुपए में इतनी बढ़िया गाड़ी दे रही है, तो कहीं ना कहीं तो कटौती। अच्छा, मैं जाते हुए मैं ये और कहूंगा आपको कि अब जैसे मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, दिल्ली NCR में आप अगर चलाते हो तो यार स्पीड मुझे लगता है आप 50-60-70 बहुत मुश्किल से ले जा पाते हो। और जैसे मैंने इसमें ये डिस्क ले रखा है तो इसमें मेरा जो कॉस्ट है वो लगभग 5-6,000 रुपये बढ़ी है। तो आप चाहो तो ड्रम वाली भी ले सकते हो, अगर दिखावा करना है तो आप डिस्क लो, वरना आप ड्रम लेके भी काम चला सकते हो, आपके 6-7,000 रुपये बच सकते हैं। डिस्क का कोई इतना खास रोल है नहीं दिल्ली NCR में, अगर आपको कहीं हाईवे पर चलना है तो बात एक अलग है, वरना इसकी जरूरत नहीं है। और पहले भी बाइक्स होती थी। अभी तो इसको मैक्सिमम कितना भगा चुके हो, मतलब अभी मैंने इसकी स्पीड मैंने 60 तक इसे 60-65 तक बहुत मुश्किल से पहुंचाया है, उससे ऊपर मैं लेके गया नहीं। तो ऑलमोस्ट जो लोकेश भाई ने बताया, होप आप लोगों को कुछ रिलेटेबल लगे होंगी चीज़ें, और कुछ जो है इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कंपनी को, किक स्टार्ट के साथ आता है और लगभग 12 लीटर का इसका टैंक है, और जो कि इन्होंने अभी तक फुल कराया नहीं है, और है ना जो फुल कराएंगे तब इनके ब्लॉग पे देख लेना, लोकेश शर्मा टेक इनका यूट्यूब चैनल है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इसकी जो माइलेज है ना उसको टेस्ट करूंगा 1 लीटर पेट्रोल डाल के, और बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाली है। तो लोकेश शर्मा टेक इनका यूट्यूब चैनल है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानना हो तो हमारे उस चैनल पे आपको सारे ब्लॉग्स इसी बाइक से मिलते हैं। और ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और बढ़िया कंटेंट लाता रहता हूँ। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।